इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है, इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि इनको कौन से अकाउंट्स में ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड पेएबल क्या होता है। ट्रेड पेएबल एन अमाउंट ओड टू अ सप्लायर फॉर अ गुड्स और अ सर्विसेज वेयर द अमाउंट ड्यू इज बिल्ड बाय द सप्लायर्स ऑन अ टर्म। मतलब ट्रेड पेएबल, फॉर एग्जांपल आपने किसी सप्लायर से कोई सर्विसेज गेन की हैं अपने बिजनेस के लिए, या कोई उससे रॉ मटेरियल खरीदा है, या कोई गुड्स खरीदी हैं, तो उसकी जो ट्रेड, कोई भी ट्रेड की है अपने सप्लायर से, या आपने किसी बाहर के मुल्क से कोई चीज़ें मंगवाई हैं, तो उसके साथ आपकी अच्छी लेन देन थी, तो आपने उसे कहा यार मेरे पास अभी पैसे नहीं जो मैंने आपसे सर्विसेज गेन की हैं, या कोई आपसे जो रॉ मटेरियल गेन किया है, या कोई गुड्स मंगवाई हैं, कुछ भी जो आपसे मंगवाया है उसके अभी मेरे पास पैसे नहीं, या अभी मैं आपको उसका बिल क्लियर नहीं कर सकता, मैं उसको आपको कुछ देर बाद, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं आपको एक माह बाद या दो माह बाद इसका बिल क्लियर कर दूंगा, मतलब इसके पैसे जितने बनते हैं वो आपको एक माह बाद काट दूंगा। तो ये जो वो उधार पे चीज़ें ले रहा है, उधार पे ट्रेड कर रहा है, किसी से गुड्स और सर्विसेज ले रहा है अपने सप्लायर से, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल। मतलब अभी उसने उसके पैसे पे करने हैं उस ट्रेड के, जो उसने ट्रेड की है, जो लेन देन उसने की है सप्लायर से, उसके अभी उसने पैसे देने हैं, तो इसलिए हम इसको ट्रेड पेएबल कहते हैं। और जो ट्रेड पेएबल है वो हमारी एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, मतलब छोटे पीरियड तक होती है, एक माह बाद या दो माह बाद या साल के अंदर अंदर ये हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि साल के अंदर अंदर पैसे अदा किए जाते हैं, बिल्ड क्लियर कर दिया जाता है, तो और ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, और इसको हम अकाउंट पेएबल में इसकी एंट्री करते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम में हम इसको अकाउंट पेएबल में इसकी एंट्री करते हैं। अकाउंट पेएबल में हम ट्रेड पेएबल को, जितनी भी हमने उधार पे ट्रेड की है, जितना हमने उसका बिल अदा करना है, उसको हम अकाउंट पेएबल में ऐड करते हैं, और ये हमारी एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। आगे है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट होगा। ट्रेड रिसीवेबल आर अमाउंट बिल्ड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर व्हेन इट्स डिलीवर गुड्स और अ सर्विसेज टू देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल पहले तो आप खुद ले रहे थे ना गुड्स और सर्विसेज सप्लायर से, तो उसका आपने उधार पे ली और उसका भी आपने बिल पे करना था। ट्रेड रिसीवेबल में ये होता है कि आपने जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं अपने कस्टमर को, या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई होलसेलर है, उसको आपने अपनी गुड्स या जो भी आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको दे दिया, पर उसने आपको अभी तक पैसे नहीं किए दिए, आपने उसको डिलीवर कर दी गुड्स या सर्विसेज जो भी आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अपना आपका बिजनेस दे दिया, उधार पे दे दिया, तो आपने अभी तक उससे पैसे नहीं लिए, तो वो जो आपने ट्रेड उसको दी, मतलब उसके साथ जो ट्रेड की, अभी तक उसके आपने पैसे नहीं रिसीव किए, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारा एक करंट एसेट होता है, और इसको हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं, हम एक एज अ करंट एसेट में ऐड करते हैं, और ये अकाउंट, इसकी जो ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री है, ये हम अकाउंट रिसीवेबल में करते हैं। और ये जो है, सिंस इट इज़ यूजली कन्वर्ट इनटू कैश इन लेस देन वन ईयर, ये हमें जो है, मतलब ये जो हमने डिलीवर कर दी हैं गुड्स, इसका जो रिकवर है, इनके जो पैसे हैं, वो हमें एक साल के अंदर अंदर ही हो जाते हैं। ये हमारा करंट एसेट होता है, और हम इसकी एंट्री जो है अकाउंट रिसीवेबल में करते हैं। आई होप आपको इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।